राम राम जी, कैसे हो? उम्मीद करूंगी सब ठीक होंगे। और आपके अपने चैनल सच्ची लाइव ब्लॉग्स में एक बार फिर से स्वागत है। और आज है दिवाली। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस यही दुआ करूंगी कि दिवाली आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और बताओ कैसी रही, मतलब कल छोटी दिवाली थी, कैसी रही आप सभी की दिवाली? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी बहुत अच्छी गई और आप भी बताना आपकी कैसी रही। बस ये दुआ है कि ये सारी खुशियाँ आए आपकी ज़िंदगी में, आप सदा खुश रहें, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबके बारे में पूछूँ। और प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कैसे हो आप सब, क्या चल रहा है लाइफ में, अच्छा है, मतलब कि सब ठीक है आपकी फैमिली में? और मौसम चेंज हो रहा है तो बस यही कहूँगी, प्लीज़ अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और मतलब कि दिवाली पर पटाखे वगैरह चलाते हैं तो प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। और अपने बच्चों को मतलब पटाखे वगैरह ठीक है, अच्छी बात है, मतलब कि हर कोई चलाता है, तो मतलब कि बस ये है कि सेफ रखिए अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को स्पेशली, क्योंकि इस टाइम पर थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे हैं जा एकदम से, मतलब कि बस उनको होता है कि पटाखे चलाएं। छोटे छोटे बच्चे भी कोशिश करते हैं अपने आप पटाखे चलाने की, तो उनका ख्याल रखिए। बस ये मतलब कि मैं स्पेशली इसी चीज़ के लिए आई थी कि आप सबसे मतलब कि बोलूं। वैसे देखो सभी अवेयर है आज के टाइम में, लेकिन मैं फिर कहूँगी मेरा फ़र्ज है कि मैं आप सबको अलर्ट कराऊँ। तो प्लीज़ बी सेफ, बी हैप्पी, इंजॉय कीजिए, मिठाइयाँ खाइए, मिठाइयाँ बांटिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए और दिए जलाइए। मतलब कि वैसे तो देखो दिए रोशनी तो लाइट से भी होती है, मोमबत्तियों से भी होती है, लेकिन दिए की रोशनी अलग ही होती है जो मिट्टी का दिया होता है। तो प्लीज़ लाइट भी लगाइए, दिए भी लगाइए, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जगमग जगमग तो तभी होगी ना जब हर चीज़ जलेगी, पूरा घर सजेगा। तो सजाइए अपने घर को, और कैसा सजाया आपने वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो फिर दिवाली सेलिब्रेट, आप सभी को फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ हलवा, और अभी मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह निकाल रही हूँ, और पानी है जो अभी मैंने मतलब गर्म करने के लिए रखा है। जब तक पानी गर्म होता है जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उनको मैं कट कर लूँगी। और सारे निकाल लिए मैंने निकाले हैं किशमिश, बादाम और काजू। तो कुछ बादाम उनको मैं कस करूँगी और कुछ को काट कर डाल दूँगी, दोनों तरह से अभी मैं कस कर रही हूँ। पानी तो गर्म हो गया इसलिए मैंने गैस उतार दिया है, और सारे जो काजू वगैरह मैंने कट भी कर लिए हैं और कस भी कर लिए हैं, और कढ़ाई को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी धोकर लेके आई थी क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पानी भी था, वो भी साफ़ हो जाएगा और गर्म भी हो जाएगी। और फिर इसमें मैं घी डाल दूँगी, देसी घी का हलवा बनेगा। किस किस को पसंद है, जिसको भी पसंद है आ जाओ, सभी इन्वाइट हैं। और बस मैं आटे का हलवा बनाऊँगी, मुझे आटे का हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी घी है जो मैंने डाल दिया है, बिल्कुल फ्रेश घी है, आज ही हमने मतलब कि गर्म करके निकाला था। जो मक्खन होता है मक्खन से बनाते हैं ना, बस वही सुबह निकाला था हमने, तो बस तभी तो मैं फ्रेश बोल रही हूँ। और घी डल गया है, और मैंने जो शुगर है वो भी निकाल ली है, और अभी बस घी गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आटा डाल दूँगी इसमें थोड़ा थोड़ा करके। पहले जो अभी डाला है उसको मिक्स कर देते हैं ताकि इसमें लम्स ना पड़े, अगर ज़रूरत लगी तो फिर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल दूँगी। थोड़ा सा लग रहा था मुझे इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, एकदम से नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत लगे तो हम दोबारा से भी डाल सकते हैं इसमें। अब मुझे थोड़ी सी और ज़रूरत लग रही है तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, और बस अब इसको चलाते जाना है। बस जब जो आटा है भुन जाएगा तो उसमें से खुशबू आने लग जाएगी, और बस क्योंकि भुन जाता है तो हमें पता लग जाता है क्योंकि खुशबू आती है, और कई बार ये कच्चे उसमें गिर गया तो फिर सारा हलवा वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मतलब कि ज़रूरी होता है जब तक आटा अच्छे से नहीं भुन जाता उसको चलाते रहना ज़रूरी होता है। वैसे हलवा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से आई थिंक 10 मिनट में हलवा रेडी है, कितना भी हो तो इजली बन जाता है।
मतलब कि मुझे तो वैसे तो ब्रेड का हलवा अच्छा लगता है। वैसे मैं हलवा कम ही खाती हूँ, कुछ भी हो मीठा मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन त्यौहार पे तो खाना चाहिए मीठा। तो बस कुछ हम मिठाई वगैरह ले आए थे, और लेकिन कुछ भी हो घर में, लेकिन हलवे के बिना कोई भी त्यौहार नहीं होता, तो हलवा तो बहुत ज़रूरी है। और जो आटा है वो भुन कर तैयार हो गया, अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, और जो भी सामान है, जो शुगर है, बादाम वगैरह कुछ भी हो वो डालना है, अभी वो डाल देती हूँ। और अभी डाल रही हूँ मैं जो बादाम का जो वगैरह मैंने कट किए थे, वो जो कस किए थे वो अभी नहीं डाले, उनको मैं बाद में ऊपर डाल दूँगी जब हलवा अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। वैसे बन तो गया, लेकिन अभी हलवे ने घी नहीं छोड़ा। साइड में जो घी छोड़ता है ना हलवा, तब अच्छा हलवा बनता है, बहुत टेस्टी। आप देखो कितना अच्छा बना है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि गाजर का हलवा है, लेकिन ये आटे का हलवा है, और बहुत अच्छा बना है। और गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है, क्योंकि अब तो हलवा बन गया है, बस थोड़ा सा थोड़ी देर और चलाना है। चलाते रहिए बस, देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना, बिल्कुल आप भी ट्राई करना। वैसे देखो सिंपल है हलवा, मैंने इसमें कुछ अलग से ट्राई नहीं किया, सभी ऐसे ही बनाते हैं। और अभी जो गौ माता के लिए मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सबसे पहले गौ माता के लिए कुछ भी बनो तो सबसे पहले रोटी बनाते हैं, वो भी हम सबसे पहले निकालते हैं। और अब जो थोड़ा सा बादाम मैंने कस किया था वो ऊपर से लगा देती हूँ, देखो आप सभी भी देख लो। और ये है क्लिप कल की, जो कल छोटी दिवाली थी ना उस पर दिए लगाए थे हमने, तो कल तो मैंने देखो दिन में ही शेयर कर दी थी वीडियो जो थी मेरे पास, और ये कल रात की है दिवाली की, और आज की आज शेयर कर दूंगी, कुछ कल शेयर कर दूंगी। तो उम्मीद करूंगी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मैं तो बस यही कहूँगी कि अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट किया करो, आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करोगे तभी मुझे पता लगेगा कि मेरे फैमिली में कौन कौन है, तो प्लीज़ कमेंट किया करो और बताओ कैसा लगा व्लॉग। और फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।